सावन के पहले दिन इंद्र ने भी भगवान भोले का बारिश कर अभिषेक किया। झमाझम बारिश के साथ सावन माह का आगाज हो गया तो वहीं शिवालयों में भी भक्त अपने प्रिय महादेव के दर्शनों को आतुर नजर आए। सुबह से ही शिव मंदिरों में शिव भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भगवान भोले का जलाभिषेक किया गया। पूरे माह अब मंदिरों में हर हर बम बम के जयकारे गूंजेंगे तो वहीं भगवान का भी विशेष श्रृंगार किया गया। सावन में शिव की आराधना का विशेष महत्व है। उधर शिवपुरी धाम पर भी सुबह से श्रद्धालु जुटे और 525 शिवलिंगों पर जल अभिषेक कर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का फल प्राप्त किया। शिवपुरी धाम के सनातनपुरी महाराज ने बताया है कि उनके गुरु 1008 रामपुरी महाराज ने 41 वर्षों तक फलिहारी रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए कोटा में तप किया। उन्होंने अग्नि और जल सहित कई तप किए। एक बार जब 1985 में नेपाल गए, वहां शिवरात्रि के मौके पर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए गए, लेकिन वहां पुलिस ने भगवान के दर्शन ठीक तरीके से नहीं करने दिए। मंदिर के पीछे कई शिवलिंग लगे थे जहां लोग पूजा करते दिखे। तभी गुरुदेव के मन में कोटा में ऐसे स्थान बनाने की बात आई जहां अधिक संख्या में लोग अपने हाथों से भगवान का अभिषेक पूजन कर सके। उसी के चलते शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग स्थापित करके मंदिर बनाया गया है। 525 शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर पूजा का जो फल है वो प्राप्त किया जा सकता है, यानी 525 दिन की पूजा का फल मिलता है। वर्ष 1986 में रामपुरी महाराज ने शिवपुरी धाम में 525 की जो शिवलिंग है उनकी स्थापना की थी और 1987 में उनका देवलोक गमन हो गया। उसके बाद सनातनपुरी महाराज को यह यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई। 2007 में 21 कुंडिया यज्ञ करवाया गया। आज जो प्रधान के 525 शिवलिंग देश भर में विख्यात है, देश भर के कोने से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। वहीं 525 शिवलिंग पर लोग अपने हाथ से स्वयं जलाभिषेक करते हैं और भगवान से मनोकामना मांगते हैं। 1008 परम पूजनीय मेरे गुरुदेव राणा रामपुरी जी महाराज, जिन्होंने 41 वर्ष तक कोटा की भूमि पे फलियारी रह के ब्रह्मचर्य का पालन करके और अग्नि तप, जल तप और बहुत तप किए महाराज जी ने, तो 1985 में वो नेपाल गए थे तो बढ़िया माला ली। महाशिवरात्रि का पर्व था, प्रसाद लिया, अगरबत्ती धूप दीप लेके दो तीन भक्तों के साथ मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ जाते ही पुलिस वाले खड़े थे, ना तो माला को हाथ लगाया ना प्रसाद को, चलो 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 महाराज जी। और वहाँ पीछे जो है काठमांडू के मंदिर पे चबूतरा पे किसी पे 51, किसी पे 10, किसी पे 20 शिवलिंग लगा रखे छोटे छोटे, तो जो अंदर नहीं तो बाहर आन के माला चढ़ा रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि अपने को ऐसा स्थान बनाना है जहाँ हर आदमी पूजा कर सके माँ पर्व के रोज भी। आज शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंगों की स्थापना है, चाहे लाखों लोग आ जाएं पर अपने हाथों से भगवान के लिए माला पत्थर पुष्प बील पत्थर सब अर्पण करते हैं और साधना करते हैं। तो महाराज जी का उद्देश्य यही था कि घोर कलयुग में जीवों को शांति ग्रहण करने का कोई साधन नहीं है, तो महाराज जी ने ये महानुष्ठान, ये महातप कि जीव एक दिन में आकर 525 शिवलिंगों पर जल चढ़ा देगा तो उसका 525 दिन की पूजा हो जाएगी, उसको 1200 ज्योतिर्लिंग का फल मिलेगा।